जी सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है तुहाडा साडे चैनल ते जिसका नाम है दी ब्लॉग। सो आज डे क्या है, फ्राइडे, आज है फ्राइडे और आज हम लोग अभी घर से निकले हैं। पहले आपको बता देती हूँ मूवी देखने के लिए। एक्चुअली आपको पता है मैंने बताया था मम्मी आए हुए हैं, ये रे मम्मी, मम्मी को हम लोग जा रहे हैं मूवी दिखाने के लिए। कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं? आजा मैक्सिको चलिए। सो एमी विर्क की मूवी है, पंजाबी मूवी है, रियल स्टोरी के ऊपर बनी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मोहाली जा रहे हैं ना हम लोग, मोहाली कोई मॉल कौन सा है, बेस्टेक मॉल है, वहाँ पे जा रहे हैं। एक्चुअली ये मूवी अभी ख़त्म होने वाली है ना, मतलब कि शोज इसके जो हैं काफ़ी देर से लगी हुई है। सो दैट इज़ वाई हमें जो इस टाइम का शो है वो मोहाली में ही मिल रहा था राइट नाउ, इसलिए सोचा चलो वहीं पे चल के देखते हैं एंड लेट्स गो। एंड आपके साथ शेयर करूँगी मूवी कैसी है, बट मैंने सुना है मूवी के रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। मूवी का टाइम है हमारे 3:55 और 3:58 पे हम लोग पहुँचे हैं अभी पार्किंग में। फिलहाल गाड़ी पार्क करेंगे एंड देन ऊपर जाके टिकट परचेज करनी है जी। सो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं सिनेपोलिस एंड अभी टिकट्स बाय कर रहे हैं। टाइम हमारा 5 मिनट ऊपर ही हो चुका है, 5-10 मिनट ही ऊपर हो गया होगा, बट ये है कि कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, 5 मिनट ऊपर हो गया चलेगा। बढ़िया मूवी इतनी ज़्यादा मिस नहीं हुई होगी, स्टार्टिंग में एडवर्टीजमेंट्स वगैरह भी आती हैं, बट टिकट्स के लिए भी लाइन है, अभी 1-2 जने हैं हमारे आगे। सो या आई विल सी यू नाउ इनसाइड। हम तब तक ला ही देगा। हेलो ब्रदर अमेरिका, कितने किराया गया? आई डोंट अंडरस्टैंड मैन। हां की कह रहे हैं? गाल कड्डी सु। मूवी कैसी लगी? मूवी तो बहुत, मतलब बहुत अच्छी थी मूवी। एंडिंग थोड़ी, एंडिंग तो फिर ऐसी एंड थी ना, रियल स्टोरी है। हाँ रियल स्टोरी थी, तो मूवी अच्छी थी, आपको रियलिटी बताती है कि क्या क्या होता है उस प्रोसीजर में, कैसे जब डोंकी वगैरह जो लगाते हैं यूएसए के लिए बेसिकली उसके ऊपर थी। अच्छी लगी मुझे मूवी, वर्थ थी। एंड अभी हम लोग हैं 23 सेक्टर में, हम लोग खा रहे हैं ये मूंग दाल के लड्डू होते हैं जो गोलगप्पे हम ऑलरेडी पहले खा चुके हैं। गोलगप्पे खाते टाइम वीडियो नहीं बनाई, वहाँ पर बहुत क्राउड था। एंड अभी ये खा के हम लोग जाएँगे वापस घर पर, फिर घर पे क्या है घर पे देखेंगे। अभी तो खाना पीना हमारा हो गया, अब हम ऐसे ही सॉर्टेड है, भूख लगेगी तो फिर कुछ बना लेंगे, अपनी रात है। हाँ जी, सो आज है संडे, ऑल ऑफ अ सडन ब्लॉग बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गया आगे आगे के दिन, बट दिस इज़ माय संडे फेस, बिल्कुल सटल नेचुरल, क्योंकि संडे को होता है काम का दिन एंड प्लस रिलैक्स करने का दिन। एंड बाय द वे आज मैंने पोहा बनाया है एंड अपने लिए पोहा बनाया है। सिम्मी का बहुत मन हो रहा था आलू जीरा खाने का, बहुत दिन से बोल रहे थे कि आलू जीरा खाना है, सो आई मेड आलू जीरा फॉर हिम एंड पोहा फॉर माई सेल्फ। एंड अभी मैं जस्ट उसको खाने ही वाली थी, बट उससे पहले आई थॉट कि आपके साथ कुछ शेयर करना है मुझे। जस्ट वेट अ सेक, आई एम जस्ट कमिंग। ऑल राइट, हाई, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस वियर्ड एंगल, क्योंकि मेरा ट्राईपॉड जो है ना वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गया उसमें, एंड आई हैव कोल्ड एंड फैन चल रहा है, सो उसके लिए बियर कर लेना प्लीज़। बहुत गर्मी हो रही है, पता नहीं क्यों ऑल ऑफ अ सडन मुझे ज़्यादा ही कुछ गर्मी लग रही है, शायद मौसम चेंज हो रहा है। इफ़ यू गाइज एग्री देन प्लीज़ कमेंट करके बताना कि एक्चुअल में वेदर जो है वो थोड़ा वार्म हो रहा है और मुझे ही ऐसा फील हो रहा है। सो आई हैव ऑर्डर्ड फ्यू थिंग्स फ्रॉम अमेजोन, वन बाय वन आई वॉन्ट टू शेयर विद यू ऑल। द फर्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज दिस सिगार डिओड्रेंट फॉर मैन, इट इज सिमीज एब्सोल्यूट फेवरेट डिओ, मतलब जब उनका कोई परफ्यूम का मूड नहीं होता देन ही गोज फॉर दिस डिओ। मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है, समटाइम्स आई ऑल्सो यू नो यूज इट, ऑल दो इट्स अ मेन्स डिओड्रेंट, बट स्टिल यू नो अच्छा लगता है मुझे। एंड इफ यू गाइज लाइक दिस, आप इसको अमेजोन से जो है अच्छे डिस्काउंट पे ऑर्डर कर सकते हो, द लिंक्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। द अदर थिंग दैट आई गॉट इज दिस, हाउ इज इट प्रोनाउंस्ड, बैटिस्ट का जो है ड्राई शैम्पू है बेसिकली। सो बिकॉज मैं आजकल
एवरी डे मुझे जाना होता है, सो समटाइम्स मैं लेजी हो जाती हूँ, हेयर वॉश कर नहीं पाती हूँ या टाइम नहीं मिल पाता है, और वैसे भी मेरा हेयर फॉल बहुत होता है, सो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ ज्यादा शैम्पू यूज करना भी, ऑल्दो ये भी केमिकल ही है, बट स्टिल कभी कभार जरूरत पड़ जाती है, इमरजेंसी कहीं जाना पड़ गया, कोई इमीडिएटली कहीं पार्टी या फिर कहीं पे भी बाहर आपको जाना है एंड आपके बाल ऑयली हैं, सो दैट्स फॉर दैट रीजन मैंने ये ड्राई शैम्पू ऑर्डर किया है। खास बात क्या है इसकी कि इसके अंदर ना एक हल्का सा ब्राउन टिंट है, ब्राउन कलर है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल ड्राई शैम्पूज होते हैं वो व्हाइट रेजिड्यू छोड़ देते हैं, सो ये बिल्कुल भी रेजिड्यू नहीं छोड़ता है आपके बालों के, मतलब ब्राउन कलर का रेजिड्यू है, सो दैट वाई ये बिल्कुल नेचुरल लगता है। अगली चीज जो मैंने ऑर्डर करी है वो है ये गुड वाइब्स का रोज ग्लो टोनर, बिकॉज टोनर अभी आजकल समर्स आ रही हैं, सो टोनर्स अभी लगाना स्टार्ट कर दे रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे गर्मियों में टोनर सीरम्स ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि स्किन को हाइड्रेटेड रखती हैं, प्लस गर्मियों में ही टाइम होता है कि आपकी अपनी स्किन को जो है ना अच्छे से केयर दे सकते हो। मुझे बेसिकली समर्स में अपनी स्किन ज्यादा बेटर लगती है एज कम्पेयर टू विंटर, सो दैट इज वाई मैंने ये गुड वाइब्स का रोज ग्लो टोनर मंगवाया, मुझे ऑलरेडी पहले भी यूज कर चुकी हूँ, मुझे काफी अच्छा लगता है ये, वे भी लगानी चाहिए, बट सनस्क्रीन इज अ मस्ट इन समर्स ऑल्सो, सो लोटस की जो है ये मैंने सनस्क्रीन मंगवाई है, सनस्क्रीन SPF 30 है इसका, एंड मैं यूज करके जाती हूँ इसको एवरी डे, एंड आपको भी लगानी चाहिए गर्मियों में अगर आपको टैनिंग से बचना है, वैसे भी सनलाइट में यूवी रेडिएशन वगैरह से आपको प्रोटेक्शन चाहिए, सो ऑलवेज यूज अ सनस्क्रीन, एंड इसका भी जो लिंक है वो सभी चीजों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक्स अवेलेबल है, आप अमेजोन से जो है इनको ऑर्डर कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज द अंडर आई क्रीम फ्रॉम मॉम्स को, इसकी बहुत अच्छी बात यह है ना कि इसके आगे एक रोलर लगा हुआ है जिसकी मदद से आप अपनी आईज के अंडर आई जो है आप अपनी मसाज भी कर सकते हो, सो इसको जस्ट आपको पंप करना है, पंप करने से क्रीम यहां से निकल आएगी एंड आप इसको मसाज करते करते अपनी अंडर आईज लगा सकते हो। मैंने इसके बहुत अच्छे रिव्यूज देखे हैं, बिफोर एंड आफ्टर लोगों ने पिक्चर्स शेयर करी थी, बट नाउ आई एम गोइंग टू यूज इट एंड अगर मुझे अच्छी लगेगी मैं आपके साथ जरूर इसका रिव्यू शेयर करूंगी। द अदर थिंग दैट आई गॉट इज फुटवेयर है ये, एंड मैं भी आपको ओपन करके दिखाती हूँ। बाय द वे सैंडल्स हैं, मैंने अपने लिए ऑर्डर करे थे, मेरे पास कोई सैंडल्स नहीं थे, बेलीज हैं मेरे पास, शूज हैं, बट सैंडल्स नहीं थे, ओए अपनी स्पेक्स पे मार लिया मैंने, सो इस तरह से है, हल्की सी हील में है, एंड हील इस तरह की है कि कंफर्टेबल है वेयर करने में, एंड बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हो मेरी फिंगर्स कैसे प्रेस हो रही हैं, सो इतना सॉफ्ट सोल है इसका एंड मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, फिटिंग वाइज भी प्रॉपर है, मेरा 5 नंबर है, सो मैंने बिल्कुल 5 नंबर ऑर्डर किया था, 37 और 5 मतलब यूके में 37, सो मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली प्रॉपर फिटिंग आई है इसकी, एंड इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन गो फॉर दीज, आई एम गोना वेयर देम टुमारो। हेयर इज अ आलू जीरा एंड हेयर इज द पोहा जो कि मैं अभी इंजॉय करने वाली हूँ, एंड मेरा कोल्ड बहुत खतरनाक फॉर्म में आ रहा है अभी, एंड आई एम गोना एंड दिस ब्लॉग हियर, पोहा एंजॉय करके मैं बस अभी जो है रेस्ट करने वाली हूँ, चाय पीऊंगी साथ में, मिलूंगी अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ, एंड बाय द वे मूवी बहुत अच्छी थी, आप लोग प्लीज जरूर देख के आना अगर आपके आसपास अभी भी लगी है तो, आजा मेक्सिको चलिए, आई लव्ड इट, एंड बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, डोंट फॉरगेट आवर फंडा, लिटिल मोर काइंडनेस, लिटिल लेस जजमेंट।